नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। यूएई के दौरे पर पीएम मोदी हैं और हिंदू आस्था के केंद्र अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे, जिसकी भव्यता के चर्चे देश विदेश में हो रही हैं। ये मंदिर बाप्स स्वामी नारायण का है और दोनों देशों में मौजूद हिंदू समुदाय के लिए भी ये मंदिर बेहद महत्व रखता है। ऐसे में 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद अबू धाबी हिंदू मंदिर का उद्घाटन एक महत्वपूर्ण अवसर होने जा रहा है। खासतौर पर बात करें उन भारतवासियों की जो दुबई में रहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी बात है और आस्था का प्रतीक ये मंदिर, जिसके दर्शन करने के लिए ना जाने कितने ही लोग जाया करेंगे और पीएम मोदी आज इसका उद्घाटन करेंगे। पहले तो 22 जनवरी को पीएम मोदी ने राम मंदिर का उद्घाटन किया अयोध्या में और अब नारायण जी के मंदिर की बारी और इस पूरे कार्यक्रम को दिव्य और भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। आपको सीधे लिए चलते हैं यूएई, पीएम मोदी का संबोधन शुरू हो चुका है, सुनिए। एक बार फिर से आपको सुनाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबू धाबी में मौजूद है और खास बात तो यह है कि बेहद ही ऐतिहासिक पल यह होने वाला है, क्योंकि यूएई में यह पहला ऐसा मंदिर जिसमें कि कई सारे श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र इसे बताया जा रहा है। यूएई में मोदी हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे, तो ये बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी उपलब्धि। पीएम मोदी मंदिर का उद्घाटन करेंगे, वो एक ऐसा क्षण ना जाने कितनी ही निगाहें जिसका इंतजार कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि पीएम मोदी ने अलहन कार्यक्रम में, अलहन मोदी कार्यक्रम में शामिल होकर कई ऐसे भारतवासी हैं जिनको संबोधित किया था। तो यूएई के दौरे पर पीएम मोदी हिंदू आस्था के केंद्र अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे, जिसकी भव्यता के चर्चे देश और विदेश में हो रहे हैं। और स्वामी नारायण का ये दिव्य और भव्य मंदिर है। दोनों देशों में मौजूद हिंदू समुदाय के लोग भी ये मंदिर बेहद ज्यादा खास मानते हैं। ऐसे में 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद अबू धाबी हिंदू मंदिर का उद्घाटन एक महत्वपूर्ण अवसर होने जा रहा है। पीएम मोदी यूएई के दौरे पर हैं। यहाँ पहुँचते ही उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। पीएम मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान गले मिले। पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और उनका ग्रैंड वेलकम किया गया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे वो अपने घर, अपने लोगों के बीच आए हैं। जब मैं आपके पास आया हूँ, आप लोगों के बीच आया हूँ, तब हमेशा लगा है कि जैसे मैं अपने ही घर में आया हूँ, अपने ही परिवार के ही सदस्यों के साथ मैं मिलने आया हूँ। ऐसा मैं हमेशा अनुभव कर रहा हूँ और हमारे संबंधों की गहनता ऐसी है। पिछले 7 महीने में हम 5 बार मिले हैं, ये शायद बहुत रेयर होता है। यूपीआई मेरा और हमारा जीवन कार्ड, इन दोनों का एक प्रकार से एक नया युग शुरू हो रहा है फिनटेक का। पीएम मोदी यहां सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। संयुक्त अरब अमीरात अबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर उद्घाटन के लिए तैयार है। ये मंदिर BAPS स्वामी नारायण संस्था का है। यूएई में ये हिंदू मंदिर बना है जो 27 एकड़ में फैला है। ये मंदिर अपने आप में बेहद खास है। इस मंदिर में राम दरबार भी है।
इस हिंदू मंदिर में घाट भी बनाया गया है, साथ ही पूरे मंदिर में सुंदर कलाकृतियां की गई हैं। मंदिर में बारीक नक्काशी भी है। 22 जनवरी को पीएम मोदी अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए और अब अबू धाबी में BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी इस मंदिर का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास भी ये सौभाग्य इसके उद्घाटन का भी, अयोध्या भी और अबू धाबी भी। वो युग पुरुष आदमी है, वो आदमी अलग है और हम ये बात जो अभी मान ले वो मान ले, जो नहीं मानेंगे उनको बाद में बहुत इस बात को दुख होगा कि एक ऐसा आदमी है जो उसका कुछ और काम ही नहीं है, ना कोई आदमी चिल करता है, ना कोई फ्रेंड सर्कल है, ना कोई फैमिली है। आप सोचिए, मतलब हम सबको जरूरत पड़ती है कभी ना कभी किसी दोस्त की या किसी उसमें, तो ये आदमी अलग है, ये आदमी चाहते हैं कि भाई हमारे देश का नाम दुनिया में हो। ये मौका संयुक्त अरब अमीरात में सांस्कृतिक विविधता और सहिष्णुता का प्रतीक है, साथ ही भारत और UAE के बीच गहरे संबंधों को भी दिखाता है। दोनों देशों में मौजूद हिंदू समुदाय के लिए ये मंदिर बेहद महत्व रखता है। भी मंदिर बन गया सर, अयोध्या में भी बन गया, बहुत खुशी है। अबू धाबी में बन गया, जो यहाँ लोग रह रहे थे उनके लिए कोई जाने के लिए पूजा स्थल नहीं था, अबू धाबी में मंदिर बनाया, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। पूजा स्थल बन गया, दर्शन स्थल भी हर देश। इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो आपको 7 शिखर नजर आएंगे। अबू धाबी में हिंदू मंदिर का उद्घाटन दोनों मुल्क ही नहीं, हिंदू आस्था से जुड़े लोगों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण अवसर है। ये मंदिर बाहर से जितना दिव्य दिखता है, अंदर से भी उतना ही भव्य है। मंदिर के साथ एक और खास बात है कि इसकी जमीन मुस्लिम शासकों ने दान में दी। एक सिख इस मंदिर प्रोजेक्ट के डायरेक्टर है, इसका डिजाइन बनाने वाले आर्किटेक्ट ईसाई है, हिंदू कारीगरों ने मूर्ति बनाई है और पारसी कंपनी इसका निर्माण करा रही है। यानी मंदिर से वसुधैव कुटुम्बकम का संदेश पूरी दुनिया में जा रहा है, देश विदेश से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। राम मंदिर पर आप कुछ बोलना चाहती हैं? क्या बोल रही हैं? आ जाइए आगे। नहीं, बहुत देख के बहुत खुशी हो रही है कि इतने टाइम के बाद में हमारे राम जी है ना पधार गए हैं हमारी कंट्री में। तो हम लोग तो जा नहीं पाए, यहीं पर थे, लेकिन फुल टाइम जाएंगे ऑब्वियसली, जब इंडिया जाएंगे तब जाएंगे। विदेश में है जी, आज आप भी आगे आ जाइए। देखिए, रामलला का इंतजार समाप्त हो गया और यहाँ लोगों का भी इंतजार समाप्त हो रहा है, मंदिर बनकर तैयार है। बहुत अच्छा लग रहा है, मंदिर बन गया, बहुत जल्दी वहाँ जाएंगे हम लोग सब। जय श्री राम। इतने समय में से हमारे अबू धाबी में जो मंदिर बन गया, देखा आपने उसको? नहीं, वो अभी हम लोग देखेंगे, कल उसका उद्घाटन है, मोदी जी करेंगे, उसके बाद बहुत ही बड़ा मंदिर बना है भारत के लिए, UAE के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। मोदी पीएम मोदी को लेकर UAE के भारत वंशियों में जबरदस्त क्रेज है। लोगों का मानना है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत को पूरी दुनिया में एक अलग पहचान मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। मंदिर की खासियत इसकी विशालता और भव्यता है। ये मंदिर बाहर से जितना दिव्य दिखता है, अंदर से भी उतना ही भव्य है। खास बात यह है कि इसकी जमीन मुस्लिम शासकों ने दान में दी। एक सिख इस मंदिर प्रोजेक्ट के डायरेक्टर है, इसका डिजाइन बनाने वाले आर्किटेक्ट ईसाई हैं, हिंदू कारीगरों ने मूर्तियां बनाई हैं और एक पारसी कंपनी इसका निर्माण करा रही है। यानी मंदिर से वसुधैव कुटुंबकम का संदेश पूरी दुनिया में जा रहा है, देश विदेश से लोग यहां पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी UAE दौरे पर हैं। अबू धाबी में पीएम मोदी BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। अबू धाबी में 55,000 वर्ग मीटर में बना ये मंदिर इस्लामिक देशों में बना अब तक का सबसे विशाल मंदिर है। मंदिर में 7 शिखर बनाए गए हैं। मंदिर का निर्माण 7 मंदिर के साथ बनाया गया है, जो रामायण, महाभारत, भागवत और शिव पुराण की कहानियों का वर्णन करता है। मंदिर का डोम ऑफ हार्मनी 5 प्राकृतिक तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि,
वायु और अंतरिक्ष सिंबल है। मंदिर के हर कोने में भारतीय सनातन संस्कृति की झलक दिखती है। इसके साथ भारत की पवित्र नदियां गंगा, यमुना, सरस्वती को दर्शाने के लिए एक झरना भी बनाया गया है जो इनके स्रोत को दिखाता है। मंदिर में प्रवेश के बाद यहां वाराणसी जैसे घाट भी हैं, जहां एक तरफ गंगा बहती है तो दूसरी तरफ यमुना। अबुधाबी के मंदिर का निर्माण राजस्थान और इटली के गुलाबी बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से किया गया है। पत्थर को भारत में 1500 से अधिक कारीगरों ने हाथ से तराशा है, जिन्होंने हिंदू संस्कृति और विरासत के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हुए जटिल पैटर्न से नक्काशी की है। First traditional Hindu temple in Abu Dhabi, which is going to open soon, is made of more than 25,000 tons of stone. There's a beautiful story behind that stone. The stone white Italian marble that you see behind me comes from Italy. It is transported to Gujarat and then to small villages of Rajasthan, where more than 5,000 workers have been working since last 4 years, hand carving each one of these pieces, just with the help of chisel and hammer. पश्चिम एशिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर की नींव भी पीएम मोदी ने ही साल 2017 में रखी थी, जब वो यूएई के दौरे पर थे। इस मंदिर की ऊंचाई 108 फीट है, जिसमें 4000 क्यूबिक मीटर संगमरमर और 180,000 क्यूबिक मीटर बलुआ पत्थर लग रहा है। इसके बनने में करीब 700 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। मंदिर के डिजाइन में 7 शिखर है जो यूएई के 7 स्टेट्स के प्रतीक है। BAPS हिंदू मंदिर की भव्यता पूरी दुनिया के लोगों का मन मोह रही है। इस मंदिर को देखने के लिए दुनिया के अलग अलग देश से हिंदू श्रद्धालु ही नहीं बल्कि दूसरे धर्मों से जुड़े लोग भी पहुंच रहे हैं। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, यूरोपियन कंट्रीज लाइक फ्रांस एंड अफ्रीका के देशों से, अरब देशों से, गल्फ कंट्रीज से बहुत सारे हरिभक्त और स्वाभाविकता से भारत से तो है ही, तो बहुत उत्साह से विश्व के कोने कोने से यहाँ हरिभक्त पधारे हुए हैं और कई स्वयंसेवक भी पधारे हैं। मंदिर के उद्घाटन में पीएम मोदी के अलावा शेख मोहम्मद महंत स्वामी महाराज के साथ भारत और संयुक्त अरब अमीरात के कई बड़े अधिकारी भी शामिल होंगे। उद्घाटन के बाद 18 फरवरी 2024 से मंदिर के कपाट आम जनता के लिए खोल दिए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। बात करेंगे कटनी की, जहां ईडी ने छापेमारी की है और